गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर्स न्यू ब्लॉग। गाइस, अगर आपने कभी बीपी लो का नाम नहीं सुना हो ना, तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने एक इंसान का नाम रख दिया है बीपी लो। तो ये वही इंसान है बीपी लो, और आज से ना आप इनको कुलदीप जी नहीं, बीपी लो नाम से पुकारोगे, और मैं भी बेबी से बीपी लो पुकारने वाली हूँ। तो बीपी लो, आप कुछ बताओगे? और तुम्हारा नाम क्या रखूँगा फिर मैं, बताओ। गाइस कमेंट में लिखना मोटिव है, गाइस कमेंट में लिखना बीपी लो, देखते कौन जीतता है। और गाइस पास आने ऐसे हंस हंस के जा रही है। मेरी तरफ से कमेंट करना मोटिव है, 100-200 कमेंट। और तू मेरी तरफ से बीपी लोग का कमेंट करें तो जो टिकिया खिलाऊंगी कल, ये तो कुछ खिलाता भी नहीं लागे। गाइस कल रात को उनका बीपी लो हो गया, रात में तो हम कुछ कर रहे थे, देखो। अरे वो कह रहा हूँ भूकंप की वजह से हुआ, भूकंप आ रहा था ना, वो इसीलिए हो रहा था, मैं समझ रहा। और रात को गाइस मेरे अंदर है ना एक पावर है, सिक्स सेंस पावर, तो मेरे को पता चल जाता है पहले कुछ होने वाला होता है। अभी कुछ नहीं होने वाला, तो मैं सही हूँ। शरीर से बड़े दिखते हैं, दो तुम दो दिन के बच्चे। ऐसे दो दिन का बच्चा होता है ना, कुछ हो जाता है और ऐसे मम्मी की तरह रोने लगे तुम। अरे चलो हटो, रो दो तुम, चलो झूठे रो रहे हो। सो रहा था मैं। और कैसे कर रहे थे बताना, और किस वजह से तुमको बीपी लो हुआ ये भी बता दो सबको जानना। वॉशरूम में बैठने की वजह। गाइस वॉशरूम में एक घंटा बैठ के फोन चलाओगे तो बीपी लो होगा, इतनी तेज गर्मी हो रही है हमारे गंगापुर सिटी में। गाइस मैं इनसे ना ऐसे पूछ रही थी, ये कह रहे मुझे राइस खाने, तो मैं पूछ रही इनसे येलो राइस, फ्राई राइस, जीरा राइस या सिंपल राइस। तो कैसे कह रहे जीरा तो मुझे अलग से दे देना और राइस मुझे अलग से दे देना, जो गया जीरा राइस। गाइस मैं फ्राई राइस बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने प्याज मिर्ची और सोया सॉस और थोड़ा सा तेल गरम में मैंने जीरा डाल दिया है। इसके बाद मैंने मिर्ची और प्याज डाल दिया, इसके बाद मैंने पत्ता गोभी कटी हुई बारीक बारीक डाल दी है। गाइस इसको थोड़ा सा पका लेती हूँ मैं, फिर इसमें बॉईल करे हुए चावल डाल दिए, और मैंने जो रेड चिली सॉस होता है वो डाला है, थोड़ा सा सोया सॉस डाला है, और बस सिर्फ नमक ही डाला है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला इसमें। इसके अलावा ना इसमें कुछ भी नहीं डालता, बड़े टेस्टी लगते हैं। कल मैंने पापा से ना देखो कितने सारे नारियल मंगाए थे, 10 नारियल मंगाए थे, मैं इनका लड्डू बनाऊंगी, और जल्दी आपको मेरे चैनल पर ना नारियल के लड्डू की रेसिपी मिलने वाली है आपको, फुल वीडियो। गाय ये दोनों देखो ऐसे नंगू पंगू होके पड़े रहते हैं पूरे दिन, जब भी मैं आती हूँ ना शॉप पे से हम लोग बहुत जोर से गुदगुदी मचा करती हूँ, परेशान हो जाए। गाय मैं दोबारा किचन में आ गई हूँ, और अब मैं आई हूँ, थोड़ी देर पहले नारियल दिखाए थे नारियल के लड्डू बनाने के लिए, और जब मैंने लड्डू बनाए थे ना लास्ट टाइम, तो सब लोगों को इतने पसंद आए कि मैंने पापा से दोबारा 10 नारियल मंगा लिए, और अब मैं चलती हूँ। तो पहले मैंने इनको छील लेती हूँ और इनका पानी में पी लेते हैं निकाल के। गाइस नारियल छिल गए हैं, बहुत मेहनत लगी, आधे नारियलों में ये हाड़ वाला जो ये बोलते हैं इसको वो था कवर, और ये जो इसके छिलके लिख रहे हैं गाइस इनको फेंकना नहीं है, आप इनको सुखा के बाद में यूज़ ले सकते हो। तो मैं तो यही करने वाली हूँ, और अब बनाती हूँ मैं लड्डू। गाइस बाहर आ चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा किचन में गर्मी हो गई, अब मैं यहाँ बैठ के ना अरबी छीलूँगी, और ये मैं नारियल लेकर आई थी, पहले इसको खा लेती हूँ। लूसी को नारियल खाना है, कैसे बड़ा मजे ले रही है लूसी, खा सीख रही है तू, तो देर से किताब कॉफी नहीं लगे बैठी है। गाइस भी पास ट्रेडिंग करना सीख रही है, गाइस ये वीडियो एडिट करना नहीं सीख पाई, अब ट्रेडिंग करना सीखेगी ये जल्द से जल्द, अभी ट्रेडिंग करना सीखेगी और बहुत सारे पैसे कमाएगी, पैसा कमा के फिर फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जाके शॉपिंग करेगी ये। गाइस मुझे अभी याद आया कि मैं अरबी लगा दूंगी ना ऐसे जमीन में, तो अरबी के पत्ते निकल के आ जाएंगे, और हम उनकी फिर सब्जी बनाएंगे जो पात्रा की सब्जी बोलते हैं गुजरात में, और ये पूजा दीदी करने वाली है अभी ये काम, जाओ अरबी लगा के आओ। छोटे छोटे से गाय ये देखो, ये बांदरू बच्चा नंगा पुंगा होके क्या कर रहा है, तार पे लटक रही है, गिर जाएगी और हड्डी पसली टूट जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अभी भी पास ट्रेडिंग के चक्कर में बिल्कुल ध्यान लगा के मन लगा के बैठी हुई है, और सोनू भाई सीख रहा है उससे कर। गाइस बुआ आ चुकी है, और बुआ लेकर आई है 2 पपीते के पेड़ और 1 आम का पेड़, बुआ दिखाना, और पपीता आएंगे अब इनमें ना, पपीता का पेड़ लगा दो उधर, लगा दो बुआ पानी आता जिधर। गाइस बारिश आए बहुत दिन हो गए, पेड़ बिल्कुल सूखे जा रहे हैं, तो मैं चलो पानी डाल देती हूँ आज पेड़ों में, काफ़ी दिन में आज डाला है मैंने इधर। गाइस 2 दिन का बच्चा देखो हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, हवाई जहाज बोलते हैं, हवाई जहाज, ओ नीचे होकर लैंड होकर गिर गया, लड़े में गिर गया।
और ये भैया की कंपनी में बन रहे हैं अभी हैंड टू हैंड न्यू ताजा ताजा इंजीनियर इंजीनियर प्रशांत वर्मा। थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है उसमें, उड़ नहीं रहा वो सही, ये पुराने मॉडल है। अरे नया मॉडल बना। और गाइस मैं चलती हूँ सब्जी लेकर अंदर किचन में, क्योंकि इन लोगों को तो कुछ काम नहीं है, तो मैं अपना काम कर लेती हूँ। बस भाई वापस आ गया मेरा, ये लाइट आ चुके, तो अब मैं इसको जारी रखती हूँ अपने लड्डू बनाने काम। गाइस टीमू पानी का मजे ले रहे हैं जो पूजा दीदी ने मेरे लिए बनाया था। दाते में बहुत टेस्टी है, बस नमक की कमी है। और ये मान नहीं रहा तो मैं सोची दूसरे कराए हूँ, ट्रांसफर करती हूँ उसको। गाइस लड्डू बन रहे हैं और ये बच्चे ना इसलिए बैठे हैं कि इनको लड्डू मिल जाए, तो मैं थोड़ा थोड़ा इनको भी दे देती हूँ। ले शीरो, ले कोको, ले शीरो। ये लड्डू के चक्कर में बैठे हैं बहुत देर से। लूसी, और देखो गाइस कितने सारे लड्डू हैं। लूसी ले, लूसी लूसी लड्डू ले, लड्डू खाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।